तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के अंदर में हम बात करेंगे आज आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मूले की। जी हाँ, आपके पास जो फॉर्मूला के हमने लॉजिकल फॉर्मूला को कर लिया, लॉजिकल फॉर्मूला के बाद हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। तो पहले आप कुछ टेक्स्ट फॉर्मूला पर छोटी मोटी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। हंसारी जी प्लीज म्यूट रखिए। छोटे छोटे फॉर्मूला जैसे कि केस चेंज करने का, अब मान लीजिए आपने अपर में लिखा है और इसको आप लोअर में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अपर का फॉर्मूला होता है। अपर क्या करता है, उसको अपर में कन्वर्ट कर देता है, फिर वापस में लोअर में कन्वर्ट करना है कभी तो हम उसको लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और हमारे पास आता है प्रोपर, हम प्रोपर कर सकते हैं। तो केस चेंज करने के तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, अपर, लोअर, प्रोपर। उसके बाद इसी तरह से अगर छोटे मामले की बात करें तो हमारे पास करेक्टर भी, जैसे हमने ए यहाँ पे ए टाइप किया तो हमारे पास एक कोड का फॉर्मूला है जो कि इसका स्काई वैल्यू में कोड दिखाता है इसकी कोड क्या है, और एक कैर का फॉर्मूला है जो बताता है इसकी कैर करेक्टर क्या है, कोड का करेक्टर क्या है। तो हम करेक्टर से कोड में एंड कोड से करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसका यूज होता है। अभी थोड़ा देर बाद इसको मैं यूज बताता हूँ आपको मैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्लीन और क्लीन की। जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट कहीं से लिखा है, उसके बीच में बहुत सारा स्पेस लगा हुआ है, जैसे सुजीत कुमार स्टार्टिंग में स्पेस लगा है या फिर टाइप करने के बाद स्पेस लगा है, तो अनवांटेड स्पेस लगा है, तो इस अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने का काम करता है ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड, ध्यान रखिएगा, ट्रिम स्पेस को रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे कि देखिए सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस की रिक्वायरमेंट थी तो इसने एक स्पेस को रहने दिया है, नहीं हटाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम यहां पर लिखते हैं सुजीत, हम टैब देते हैं और फिर नीचे लिखते हैं कुमार। अब मुझे इनके बीच में टी और के बीच में एक हमने लगाया रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ने क्या किया, हमने ऑल्ट एंटर बेस किया था, तो इसके लिए हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला अगर
अगर इसको आप ट्रीम लगाते हैं तो ट्रीम में आप देखोगे कि भाई आपका रैप टेक्स्ट तो हट गया है, लेकिन अगर इसकी लेन, लेन क्या होता है, LEN फॉर्मूला, लेन फॉर्मूला होता है जो कि इसकी लेंथ बताता है, इसकी लेंथ बता रहा है कि कितना है 12। लेकिन आप इसको अगर मैनुअली काउंट कर रहे हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 11 होना चाहिए, सुजीत एंड कुमार 11 होना चाहिए, बट इसमें क्या है 12 है। तो एक हिडन करेक्टर है, उसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहा जाता है, क्यों? करेक्टर तो होते हैं बट दिखते नहीं। तो उस केस के लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे क्लीन का। जब भी आप क्लीन का फॉर्मूला यूज करें तो क्लीन का भी इस्तेमाल कर लें। तो ट्रीम और क्लीन कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहीं वेबसाइट से या किसी सर्वर से डेटा लाए हो, लुकअप लगा रहे हो, बट लुकअप नहीं लग रहा है, मैच नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि तो एक डेटा में स्पेस है, एक डेटा में स्पेस नहीं है। तो उस डेटा को क्लीन करने के लिए हमने हम इस ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीम एंड क्लीन का। अब यहां एक चीज देखिए कि सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस नहीं है, तो हम चाहते हैं स्पेस आ जाए, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करने का। तो 123963 और 852 करके हमारा है, अब मैं चाहता हूं कि इसको कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए क्या करूंगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब, एप्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ओल्ड टेक्स्ट डॉट है, इस डॉट को डैश में कन्वर्ट कर दो। डैश में हमारा कन्वर्ट कर दिया। इसमें एक इंस्टेंस नंबर भी होता है, वन कर दिया तो सिर्फ पहले वो करेगा, मैंने टू कर दिया तो दूसरे वो करेगा। अगर मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं डाला, तो सारा कर देगा। तो आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला पढ़ ही रहे हैं, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के जैसा है, वर्ड को करेक्टर से कन्वर्ट करता है। लेकिन पोजीशन के हिसाब से तुमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि चौथा करेक्टर से एक करेक्टर को रिप्लेस कर दीजिए स्लैश, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला एस टू के अंदर जाओ चौथे करेक्टर से, 1 2 3 एंड डैश चौथा करेक्टर हो गया, उस एक करेक्टर से डैश को स्लैश में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं यहाँ पे 1 के जगह 2 कर दू तो डैश और 9 को कन्वर्ट कर दे। तो पोजीशन के हिसाब से ये अलग करता है। यहां पे कैसे करें? क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला के अंदर में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाता हूं, हमने ले लिया। अब यहां पे रैप टेक्स्ट हम क्या इन्वर्टर कोमा का ऑल्ट एंटर मारें? ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा।
हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हम एक एक्सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, कोड का फॉर्मा लगाएंगे। तो मुझे इस करेक्टर का कोड पता चल गया कि इस करेक्टर का कोड 10 है। मतलब कि मैं CHR कैट में 10 डालूंगा तो सेम करेक्टर रिटर्न होगा जो हमने मैनुअली ऑल्ट एंटर प्रेस करके टाइप किया था। सेम चीज मैं यहां करूंगा कि सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के अंदर हमने सिलेक्ट किया इसको और हमने बोला कि कैट यहां 10 और हमने यहाँ पे स्पेस कर दिया। आपके सामने रिजल्ट है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको। कुछ दिन पहले यूएई से ही एक अब्दुल्ला जी थे, उन्होंने मुझे एक मेल किया था। मैं मेल आपको खोल कर दिखाता हूँ। मेरा उनके पास ये फाइल थी, तो उनके पास ये दिक्कत क्या था कि उनके पास ये नंबर है। इस नंबर को आप देखिए, मैं इसको अलग करता हूँ, सिस्टम पे लाता हूँ। तो उनका कहना था कि जितने भी नंबर हैं उनके आगे मैं AMM लगाना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम है कि ये नंबर एक ही सेल में टाइप थे और टाइप करते समय उन्होंने ऑल्ट एंटर का प्रेस किया गया था। तो इसके लिए क्या करें हम, तो हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट का ही फॉर्मूला लगाया कि सब्स्टिट्यूट हमने सिलेक्ट किया, हमने बोला कि जो कैर 10 है वो रिप्लेस हो जाए कैर 10 और उसके साथ हमने कॉन्कटा नेट में लिखा AMM। और इन्होंने रैप टेक्स सेम फॉर्मेट में यहां अप्लाई कर देता और थोड़ा सा बड़ा कर देता। लेकिन यहां स्टार्टिंग में नहीं आया, तो स्टार्टिंग में ना आने के कारण, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको तो है नहीं, तो मैं स्टार्टिंग में मैनुअली AMM गांधी। समझ में आया? हेलो, किसी को डाउट? नो सर। रेशम जी, आपको कोई डाउट? नो सर। अब इस इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, चलिए इनके बारे में डिस्कस करता हूं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम अब्दुल्ला जी की। लास्ट एक प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन उन्होंने कल मुझे एक और प्रॉब्लम दिखाई जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि उनके पास
पास एक दो कॉलन है जी और एच, उनमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि 8YR 60 LDG आपका 1000 FHS 1250 FC और ऐसे ही IMT में भी लिखा हुआ है। अब उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने एक कॉलन इधर बना रखा है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो यहाँ पे से 8 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 60 आ जाए, यहाँ पे आपका 1000 आ जाए और यहाँ पे 1250 आ जाए। समझे? चलिए इनकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको उठा के हम ले चलते हैं एक ब्लैंक जहां हम इसको सही से कर सके। इसको मैं इसी पर रखता हूँ, फिर मैं उस पर भी करूंगा। और यहाँ का एक वाई आर है तो, और दूसरा है एल टी जी है F. तो यहाँ पे वाई आर के लिए हम क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड का, फाइंड और सर्च लगा दीजिए यहाँ पे सर्च का। सर्च फॉर्मूला क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी सेल वैल्यू में ढूंढता है और बताता है कि उसका लोकेशन क्या है। तो इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया कि इसका लोकेशन तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और बोला कि लेफ्ट में से इसमें माइनस वन को अलग कर दो, तो यहाँ पे 6 आ गया। लेकिन 6 जो आया वो नंबर फॉर्मेट में नहीं आया, किस अंदर आया, वैल्यू फॉर्मेट में आया। तो इसको मैं, क्योंकि इसमें स्पेस होने की चांसेस है, तो मैं ट्रिम के अंदर यूज किया और इसमें जीरो कर दिया, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। राइट, अब दूसरा है एलजीसी। तो एलजीसी के लिए अब यहां पे मुझे एक और फाइंड लगा, एक और सर्च लगाना पड़ेगा। सर्च इसके अंदर नहीं, ये एल डी जी इसके अंदर, और हमने स्टार नंबर वन कर दिया तो 9 है। अब मुझे अगली वैल्यू जो है 3 + 2 = 5 + 6, क्योंकि ये जो वाई स्टार, तो मुझे यहाँ पे मिड का फॉर्मा लगाना पड़ेगा और मिड में मैं बोलूंगा कि इसमें से, और मिड स्टार कहां से है, मिड स्टार है आपका 3 + lane, lane किसका, तो इसका है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो हमने बोला कि जो लास्ट नंबर है वो -a + 2, तो इसलिए क्योंकि ये जो 3 आ रहा है ये y की आ रहा है, तो मुझे इसके बाद की पोजीशन चाहिए ना। एक मिनट, हमने बोला हाँ इसमें से माइनस, एक ऐसे नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका ज्यादा आ गया, -2 हटाओ तो 40 एलजी आएगा, मतलब कि यहाँ के एलडीजी भी इसके साथ में आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं। सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में हम बोलते हैं कि इसमें इसको ब्लैंक से रिप्लेस करो, अभी आ गया, और प्लस 0 कर दो ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए, हो गया। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे।
यही चीज यहाँ एफ सी एच के लिए हो जाएगा, यही चीज एफ सी के लिए हो जाएगा कि आप एल जी एल यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सर्च का फॉर्मा लगाते हैं, आप जो सर्च होगा इसमें वो सर्च क्या होगा, ये आपका एफ एच होगा स्टार्ट नंबर से 17 आया। फिर मैं यहाँ पे मिड बोलूंगा कि मिड इसमें जाओ, हम मैं बोलूंगा कि 9+3, क्यों, क्योंकि एल डी जी जो है वो 3 से स्टार्ट है, 3 कैरेक्टर है, तो नौवा तो एल तक आया तो हमने बोला कि 9+3 3 से स्टार्ट करो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है तो 17-9 हम कर देते हैं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आ गया। और जाहिर सी बात है मुझे इस सेफिक्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और यहाँ पे हमने इसको बोला कि इस कैरेक्टर को रिमूव कर दो, और 750 हमारा वैल्यू फॉर्मेट में नहीं आया है तो प्लस जीरो कर दूंगा, तो हमारा अब प्लस जीरो इसमें नहीं होगा क्योंकि स्पेस लगा है, तो इसको स्पेस को रिमूव करने के लिए मुझे इसको ट्रिम में डालना पड़ेगा और प्लस जीरो फिर करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हुआ, ओके तो क्लीन करना पड़ेगा इसमें, ऐप टेक्स्ट ले लिया आई थिंक लग रहा है। तो जहां टीम काम करेगा वहां पे आपको क्लीन का यूज करना, जहां पे टीम काम नहीं करेगा वहां पे आप क्लीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके लिए भी हम यहाँ पे इक्वल सर्च का फॉर्मा लगाते हैं और बोलते हैं कि इसके एफ सी को इसके अंदर अब सर्च करना है पहले नंबर से, और सेम फॉर्मूला जो हमने यहां लगाया है ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं हम, मिड का मिड इसमें से करना है और स्टार्ट नंबर क्या है वो 17 और कितना कैरेक्टर लेना है तो डेट माइनस एफ सी लगा हुआ है, इस वैल्यू को हटाना है नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का इस्तेमाल, और इसमें हमने बोला इसको इसको आप लोगों को सर, सर मुझे एक डाउट है। हाँ जब आपने एलडीजी वाला निकाला था इसमें लैन का यूज किया था और बाकी दो में आपने लैन का यूज नहीं किया, किसमें लैन का यूज किया था मैंने? सर आपने जब 40 निकाला था एलडीजी का नंबर इसमें लैन यूज किया था आपने? लेफ्ट यूज किया था लेफ्ट सर, नहीं इससे आगे वाले में सी कॉलम में, इसमें आपने लैन यूज किया होगा, वो क्यों किया था? लैन इसके लिए एलडीजी ले लिया लेकिन हम लैन की जगह पे 3 कर देने वाले, क्योंकि सर आपने डी और डी निकाला था तब बगैर लैन के निकाला था ये। हाँ तो हमने मैनुअली 3 कर दिया था, ठीक है ठीक। तो दोनों मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो सर्च का फॉर्मूला बाहर है इस सर्च के फॉर्मूले को आप उसके अंदर जहां बी थ्री है हमारा वहां पे कर दीजिए, यहां भी होगा इसमें बी थ्री, इस तरह से पेस्ट कर दीजिए आपका सिस्टम, तब उसको ट्राई कीजिएगा, जहां डाउट होगा वहां मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ओके सर, ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ओके बाय।